जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी पीढ़ियां, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका है, और हम इसी का और उनने और उनने बहुत सारी चीजें भी की हैं, और उनने बहुत सारे राज्य को राज्य में शासन भी किया है। तो पहला जो उनने किया था मगध देश पर शासन, और उनने पूरे भारत देश को एकजुट बनाया। तो आज हम जानेंगे कि उनने अपने ग्रीक को कैसे हराया, ग्रीक कंट्री को। सो चलिए देखते हैं। फर्स्टली हम ये देखेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त जी की बातें। तालियां बजाइए। क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? जी गुरुदेव, लेकिन लड़ाई में क्या जरूरी है, ताकत, साहस या फिर क्या? धैर्य और ताकत जरूरी है। तो मैं वॉर के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुजी से बात की, और जब युद्ध और फिर युद्ध के समय उन्होंने ग्रीक के मंत्री से और ग्रीक के राजा से युद्ध किया। मैं आपको हरा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपके साथ काम कर सकता। कैसे? अपनी बेटी की शादी करवा दे। ठीक है, हम तुमको तुम्हारी बेटी के बदले 500 हाथी देंगे। पर वो पलट गया, फिर से उन पे वार किया, पर फिर से हार गए। हमसे चला भी भारी पड़े। माफ करिएगा, अगली बार से ऐसे चला नहीं। और इस प्रकार उनने अपनी बेटी की शादी उनसे करवाने का निश्चय लिया। बेटी, क्या तुम तैयार हो? महापौर का फोन आ गया। हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। और यह दृश्य उन सब ने दिखाया, हम लोग ने दिखाया। इससे हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारा पूरा मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अच्छे थे, पराक्रमी थे, साहसी थे। इससे हम लोग को यह ज्ञात होता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। चलिए जानते हैं कैरेक्टर्स के द्वारा कि उनका कैरेक्टर्स क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है या फिर क्या जताता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। माय कैरेक्टर इज टीचिंग दैट हाउ टू जज द पर्सन एंड हाउ टू टीच हाउ टू मेक द वेरी ब्रेवर। माय कैरेक्टर इज टीचिंग दैट हाउ टू एक्ट इंटेलिजेंटली। माय कैरेक्टर इज टीचिंग दैट द समटाइम्स दे आर एक्सेप्टेशंस आर नॉट हैपनिंग, सो वी शुड नॉट सैड इन दैट मोमेंट। और मेरा कैरेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है, मेरा कैरेक्टर ये समझाता है कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड समय के जैसे चलो और रफ्तार अपनी आगे रखो, और किसी के सामने झुको नहीं, किसी के सामने रुको नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।